आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथन एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड अमेजिंग सी स्पेशलाइजेशन। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, आप किस तरीके से मशीन लैंग्वेज और पाइथन के अंदर यहाँ पर अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट कर सकते हो उस प्रोग्राम के थ्रू, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन भी ग्रैप्ड आउट करके बताऊंगी, तो रिद्धि के साथ आप लाजमी बने रहिएगा। सबसे पहले प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मशीन लर्निंग के स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड आउट कर रहा है, जहां पर आप आसानी से इस कोर्स को मास्टर आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोर्स कैरिकुलम की बात करें तो आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनकी लीनियर एंड लॉजिस्टिक जो यहाँ पे हमारे पास रिकॉग्नाइजेशंस होती है हम उस पर बात करेंगे। मशीन लैंग्वेज के अंदर टेंशन फ्लो के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीप लर्निंग कराई जाएगी डिफरेंट टाइप के मॉडल्स के ऊपर। बेसिकली स्पेशलाइजेशन पेड स्पेशलाइजेशन है, तो आप इसके लिए फाइनेंशियल एड के थ्रू यहाँ पर अप्लाई आउट कर सकते हैं और फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई आउट करने के बाद आप आसानी से इस स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से फाइनेंशियल एड को आपने रैप आउट करना है, तो मेरी वेबसाइट articlebase.pk के ऊपर मैंने कम्प्लीट आर्टिकल लिख कर रखा है, जहाँ पर आप आसानी से फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई आउट कर सकते हो उस प्रोसेस को फॉलो अप कर। तो मेक श्योर करो कि आप उसे चेक करना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट कर दूंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप एक और स्पेशलाइजेशन को किस तरीके से ग्रैप आउट कर सकते हो यहाँ पर, तो आपको मैं बताती चलूँ, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया है, स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया गया और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए स्पेशलाइजेशन के लिए। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल के साथ साथ डेटा साइंस की ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से की जाती है, वो सब चीजें भी आपको आनी चाहिए इस प्रोग्राम को फॉलो अप करने के लिए। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती तब भी परेशानी की बात नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन आपको खुद ही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कोर्सेरा की तरफ से, जिसको आप अवेल आउट कर सकते हो। हम यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन भी क्रैप्ट आउट करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पाइथन एंड मशीन लर्निंग की स्पेशलाइजेशन के लिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस स्पेशलाइजेशन चेकआउट। आपने इस चेकआउट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन अप होगा। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं कि आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कम्प्लीट करना है इन्वेस्टमेंट मैनेज with Python and Machine Learning Specialization Certification के लिए। machinelearning.org.in की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेशन कराया जा रहा है। आप इस सर्टिफिकेशन को LinkedIn पे एड आउट कर सकते हो और अपने रिज्यूमे में भी एड कर अच्छी सी जॉब के लिए अप्लाई आउट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका नाम प्रोवाइड आउट करना है, आफ्टर दैट आपने आपका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड आउट करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप बिल्कुल ठीक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड आउट करें, ताकि एट द एंड आप अपना सर्टिफिकेशन यहाँ पे ग्रैब कर सकें। क्वेश्चन को शुरू करते हैं, एक करके क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आंसर्स आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुपरवाइज्ड लर्निंग डील विद अनलेबल्ड डेटा व्हाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डील विद लेबल्ड डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नॉट मशीन लर्निंग टेक्निक। साइंस किट लर्न इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्यूरेट विद रिगार्ड टू सुपरवाइज्ड लर्निंग। इफ नो आउटपुट आर प्रोवाइडेड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द इनपुट डेटा। इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली अ सिम्पटम और अनफिटेड इन मशीन लर्निंग। इनपुट एंड आउटपुट डेटा आर लर्न्ड टू एग्जैक्टली, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन आवर जेनेटिक एल्गोरिथम। तो क्रॉसओवर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई के फोल्ड सीवी फेल इन फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी अज्यूम टू ड्रॉ फ्रॉम द आईआईटी प्रोसेस, हाउएवर इंफॉर्मेशन लीक विल टेक प्लेस व्हेन द ट्रेनिंग सेट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट आल्सो अपीयर इन द टेस्ट सेट। टेस्ट सेट इज यूज्ड मल्टीपल टाइम इन द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग अ मॉडल लीडिंग टू अ मल्टीपल टेस्टिंग एंड सेक्शन बीआरएस। का करेक्ट आंसर यहां पर
होने वाला है। आफ्टर डेट हमारे पास क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉड, ऑटोमेट ट्रेडिंग एडवर्ट एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज टू द इन्वेस्टर। इसका आंसर है हमारे पास ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश ट्रेडिंग कैन सिमिलरली अरेंज लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड मेक थाउजेंड ऑफ द ग्रिड एवरी डे। तो एल्गोरिथमिक इसका करेक्ट आंसर है। एल्गोरिथमिक डज मेक ट्रेडिंग डिसीजन बेस ऑन प्रमोशन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉल्स। एंड आफ्टर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, डेट्स आर द ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट आर बिल्ड यूजिंग मशीन लर्निंग एंड दे प्रोवाइड ऑटोमेटिक फाइनेंशियल एडवाइजरी टू द इन्वेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रोबो इन्वेस्टर्स। इसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यूज कोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपने 100 out of 100 मार्क्स यहाँ पर अरेंज आउट किए होंगे और आपको विद इन 2 मिनट आपके रिज्यूमे के लिए आपका सर्टिफिकेशन आपके ईमेल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से मशीन लर्निंग एंड पाइथन की स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो और एक अमेजिंग की सर्टिफिकेशन को ग्रैब करके अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलो, ये कम्प्लीटली फ्री है और आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। मोर देन 100 फ्री सर्टिफिकेशन है मेरे चैनल के ऊपर, तो अगर आपने तक मेरा फ्री सर्टिफिकेशन का प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से मेरे चैनल से चेकआउट कर लीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।